हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग जो है होस्टिंगर पे अपने वेबसाइट को होस्ट करेंगे। एक फ्रेश डोमेन के साथ हम लोग चलते हैं और होस्टिंगर पे अपने एक वेबसाइट को ऐड करते हैं। तो मेरा डोमेन जो है वो है niranjan.org। अभी ये किसी और इस पे जो है होस्ट है, बट अभी मैं इसको होस्ट करूँगा जो है सो होस्टिंगर पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर हम होम सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है दो डोमेन है, एक हिंदी फॉरेस्ट डॉट कॉम, एक छोटीलो डॉट कॉम, और एक सब डोमेन है ब्लॉग डॉट छोटीलो डॉट कॉम है। बट हम एक जो है फ्रेश डोमेन ऐड करेंगे जिसका नाम होगा niranjan.org। तो हम लोग होस्टिंग पे चलेंगे। होस्टिंग पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड वेबसाइट का ऑप्शन। हम यहाँ पे जाएंगे और ऐड वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड वेबसाइट का, डोमेन नेम के इसमें जाएंगे और यहाँ पे हम इसको डाल देंगे niranjan.org, और नीचे हम पासवर्ड कुछ भी बना लेंगे, niranjan@322, और ऐड वेबसाइट हम कर देंगे। जैसे यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ये तो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, chotilo.com, hindiforest.com और niranjan.org। बट इसके अगर मैनेज सेक्शन में हम जाएंगे, तो जैसे ही आप इसके मैनेज सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होस्टिंग नेम सर्वर। ये नेम सर्वर को जो है मुझे पॉइंट करना है आपके अपने डोमेन के DNS सेटिंग्स में जाके। तो इस नेम सर्वर को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से और अपने आएंगे जहाँ पे आपका जो है डोमेन होगा। जैसे अगर गोडेडी पे होगा या नेम चीप पे होगा, बिगलॉग पे होगा, या किसी भी होस्ट किसी भी डोमेन प्रोवाइडर के वेबसाइट पे होगा, वहाँ पे आपको जाना है। उसके डैशबोर्ड में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद जो है DNS के सेटिंग्स में जाना है। तो मेरे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेमचीप से मैंने अपना डोमेन जो है ले रखा है, और यहाँ पे आपको मैनेज का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। आपको डैशबोर्ड पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे आपको मैनेज का ऑप्शन दिखेगा। मैनेज के ऑप्शन में जा करके आपको जो है यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे और नीचे स्क्रॉल मारोगे आप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेमचीप वेब होस्टिंग। ये नेम सर्वर देखो, यहाँ पे नेम सर्वर आपको दिख रहा होगा। और भी ऑप्शन है, रिडायरेक्शन, रिडायरेक्ट डोमेन है। रिडायरेक्ट मतलब अगर आप अपने डोमेन को रिडायरेक्शन लगाना चाहते हो, अगर आपका जो डोमेन है niranjan.org उसको फॉरवर्ड करना चाहते हो किसी अदर वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप इसके लिए कर सकते हो। रिडायरेक्शन ईमेल है, प्राइवेट ईमेल है, बट मुझे अभी अपने नेम सर्वर को अपडेट करना है। तो नेम सर्वर को अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे दो तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें आपको कस्टम्स DNS पे जाना है। कस्टम DNS पे जाने के बाद यहाँ से आपको अपना जो नेम सर्वर है इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है DNS2, जो है ns2.dns-parking.com, इसको कॉपी करना है आपको, और फिर यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रोसेस को होने में 48 आवर भी लगता है, बट बेसिकली ये 2 से 5 मिनट में अपडेट हो जाता है। देखो यहाँ पे उन्होंने एक मुझे पॉपअप मैसेज दिया है कि ये 48 आवर तक जो है ले सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। ये आपको मोस्टली 2 से 3 मिनट या 5 मिनट में अपडेट करके दे देता है। बट अभी हमारा जो साइट है niranjan.org, ये अभी कुछ ऐसा था जो कि नेमचीप के होस्टिंग पे था, बट अभी मैंने इसको होस्टिंगर के इस पे जो है कनेक्ट किया है। तो अभी इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो अभी हमारा साइट जो है अपडेट नहीं हुआ है। बट मैं एक बार और चेक करूँगा इसको VPN लगा के। VPN लगाने के बाद क्या होगा कि मुझे दिख जाएगा कि हमारा साइट जो है अभी अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम चलते हैं, यहाँ पे एक टच VPN है, उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको ये बता दूंगा कि VPN कैसे आप लोग जो है अपने वेबसाइट में, अभी भी हमारा साइट जो है अपडेट नहीं हुआ है, तो हम बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो चलिए, ऐसे करके आप अपने वेबसाइट को जो है अपडेट कर सकते हैं। इसमें इन्होंने एक मैसेज भी दिया था कि 48 आवर का टाइम लग सकता है, तो ऐसा होता नहीं है जनरली। ये जनरली 10 से 5 मिनट के अंदर अपडेट हो जाता है, बट अभी हो नहीं रहा है। तो थोड़ी देर हम लोग टाइम ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये हमारा अपडेट होता है या नहीं होता है, बट ये हो जाता है फिर मैं तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।